कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेल्युएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें, क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिया है राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सकें। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश देंगे। दिल्ली सरकार के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को, दिल्ली के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली स्टेट की, उनके लिए निर्णय दे दिया गया है। थैंक यू। तो दिल्ली सरकार की ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और काफी कुछ कह सकते हैं इसमें प्रिया कि इससे बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होगा, खासकर इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की जो स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी उसके स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो पुरानी जितनी परीक्षाएं हैं उनके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं, जो रिजल्ट हैं, उनके आधार पर आगे अब इन्हें प्रमोट भी किया जाएगा और जिससे कि उनकी जो एयर है एकेडमिक वो बर्बाद ना हो। बिल्कुल,